नमस्कार, मैं हूं मंजू पुरी। पंजाबी तड़का चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल दाल तड़का, इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने लिया यहाँ पर एक कटोरी हरड़ की दाल। अब हम इसे इसमें डालेंगे और इसे करते हैं हम वॉश। दाल को हमने धो लिया है और हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने डेढ़ गिलास पानी डाला है। जिस दाल को हमने धोया था उसे हम इसमें डाल देंगे। हम डालेंगे थोड़ा सी हल्दी और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है नमक। नमक का आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हमने आधे घंटे तक अच्छे से पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ये देखिए, जो दाल को हमने उबलने के लिए रखा था वो दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम दाल को रख देते हैं साइड में और इसे लगाते हैं हम तड़का। हमने रख दिया यहाँ पे एक फ्राई पैन। फ्राई पैन में हम डालेंगे देसी घी। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं हींग। साथ ही मैंने डाली है एक चम्मच जीरा और अदरक, थोड़ी सी डाली है लहसुन। और यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्च, जो रेड मिर्ची ली है उसको मैंने इस तरह से तोड़ करके डाल दिया है। और साथ ही हमने एक बड़ा प्याज काट के रखा था उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और हम इसे थोड़ा पकाते हैं। प्याज को हमने इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए, प्याज हमारा पिंक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च। और साथ ही यहाँ मैंने लिए हैं दो टमाटर जिसे मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल तो बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको अच्छे से पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही और नमक हम डाल रहे हैं इसमें क्योंकि हमने आधा चम्मच नमक उसमें भी डाला था। और हम इसमें डाल रहे हैं हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हम इन्हें लिए कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च में ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, एकदम बस थोड़ी सी। तड़का हमारा पक रहा है। टमाटर हमारे पकने चाहिए, इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा गलाना पड़ेगा। देसी घी की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, आप चाहें तो इसे बटर में भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन लगाएं घी में या बटर में। वो फिर जब छोटा होता है ना फ्राई पैन तो उसको बाहर ढूंढता है ना, तो उससे फिर घी बाहर गिरता है ना तो धुआं निकलता है।
हमारे अच्छे से पक चुके हैं, इसी में हमने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसे डालेंगे अपने तड़के की दाल में। तो दाल हमारी यहाँ पर उबली हुई है, इसमें हम डालेंगे अपना तड़का। और इसे हम मिला देते हैं इस तरह से। ये देखिए दाल हमारी इतनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है। ये देखिए लग रही है ना। कई बार हम सोचते हैं हम ढाबे में जाएं और वो किस तरह से बनाते होंगे, तो इस तरह से आप बनाइए, आपकी दाल बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसमें हमें बस फाइनल टच देना है, तो उसके लिए हो जाइए तैयार। तो जो हमने ये फ्राई पैन लिया था हम इसी को फिर से रख लेंगे और हम इसमें लगाएंगे अपना फाइनल तड़का। तो इसे हमने रख लिया है, अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। इसी में ही हम डाल रहे हैं एक जो हमने लाल मिर्च और बचा के रखी थी वो, और साथ में हमने थोड़ी सी डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और इन दोनों को हम डाल देंगे इसके ऊपर, जिससे ये इसका फ्लेवर बिल्कुल वैसा का वैसा ही आए। ये देखिए डालेंगे अपना हरा धनिया। तो दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, और साथ ही हम इस पर डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला। तो दाल हमारी रेडी है, इसको हम करते हैं सर्व। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, दाल तड़का, वो भी ढाबा स्टाइल। इस तरह से आप भी बनाएं और खाएं, और खा करके बताएं कैसी बनी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।